इंदौर देवी अहिल्या फल और सब्जी मंडी में लॉकडाउन खुलने के बाद अब मंडी में फलों की आवक बढ़ रही। लॉकडाउन के कारण देश भर में आने वाले फल नहीं आ रहे थे, जिससे अब मंडी में आम की आवक बढ़ गई, जिससे दामों में भी गिरावट आने से किसानों और व्यापारियों को भी समस्या हो रही। दामों की गिरावट के कारण बताते हुए अशोक धवन, सेक्रेटरी फूल व्यापार एसोसिएशन ने बताया कि आम का समय अब निकला जा रहा है और काफ़ी लंबे समय से बगीचों में आम पड़ा है। ऐसे में अगर और समय लगेगा तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ मंथन सेन की रिपोर्ट। असल में विगत 3 महीने से पूरा कार्यक्रम जो है वो पूरे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी इंदौर का अस्त व्यस्त हो गया है। सारी फसल जितनी थी न एप्पल प्रॉपर बिका, न अंगूर प्रॉपर बिका। आम 4 महीने से चल रहा है और 3 साढ़े 3 4 महीने से मंडी बंद है। इसके कारण जो है सारे किसान परेशान हैं, व्यापारी परेशान हैं, महाराष्ट्र के लोग परेशान हैं। मद्रास की इतनी सारी फसल थी वो इंदौर में बिकी नहीं, वो माल लाना चाहते थे, मंडी बंद थी। गुजरात से जो आम आने वाला था मंडी बंद करने के कारण वो नहीं आ सका। यूपी पूरी चली गई। अब ये बाकी है तो इंदौर शहर के लोगों के लिए ये थोक मंडी शुरू करी है तो हम तो अनुशासित तौर पे इसका शासन के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। और भाव गिरने का कारण ये है कि जो ये पेरिशेबल गुड्स होता है ज़्यादा आम बाग में नहीं रख सकते हैं, नीचे गिरते हैं, टपकते हैं। कहीं ना कहीं मंडी बताना तो बहुत ज़रूरी है ना, मंडी बताना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी जो है वो इंदौर है। इसके लिए जो आप जो है ये सारी फसल आ रही है, शहर के लोगों को अभी भी जो है वो सस्ता आम खाने को मिल रहा है। यहाँ पे इंदौर मार्केट में 7 रुपये से लेके और 30 रुपये तक दशहरी आम बिक रहा है और 10 रुपये से लेके 25 रुपये तक लंगड़ा आम बिक रहा है। किसान परेशान नहीं है, जो यूपी के बड़े बड़े व्यापारी हैं, जिनके बड़े बड़े बाग हैं, जिनको बहुत सारी कीमत प्राप्त होनी थी वो इस लॉकडाउन के कारण जो है उनकी आधी से भी कम हो गई है। उनको लाखों करोड़ों रुपए का घाटा है यूपी में जो लोग बैठे हैं, और जो महाराष्ट्र में जो लोग बैठे हैं उनको लाखों करोड़ों का घाटा हुआ, जो एक्सपोर्ट उनका बंद हो गया। यानी पूरी अस्त व्यस्त हो गई। यूपी में जो बाग वाले हैं वो बेचारे मरने के लिए मजबूर हैं, उनकी फसल के पैसे अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है, सारे व्यापारी नियमों का पालन कर रहे हैं। वो मशीन देना भैया, बिल्कुल ये मशीन से हम लोग करते हैं और फिर इसके बाद में छिड़कते हैं और माल बेचते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं और सब नियमों का पालन कर रहे हैं। थोक व्यापारी मंडी में आ रहे हैं, इसके अलावा कोई लोग आ नहीं रहे हैं। सारा जो है नियमों का पालन हो रहा है। मेरा नाम अशोक धवन है, मैं सेक्रेटरी इंदौर फूड एसोसिएशन का, राधेश्याम एंड कंपनी। हमारी फर्म को 72 साल हो गए। 72 साल में पहली मरतबा हमने तकलीफ देखी है। 72 साल की फर्म ने पहली मरतबा तकलीफ देखी है लॉकडाउन के कारण। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।